लोकसभा में महंगाई पर चर्चा जारी। कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी ने सरकार को घेरा, कहा सरकार के कुप्रबंधन की वजह से बड़ी महंगाई। लोकसभा से कांग्रेस के 4 सांसदों का निलंबन वापस, प्रहलाद जोशी ने निलंबन रद्द करने का पेश किया प्रस्ताव। ईडी ने संजय राउत को कोर्ट में पेश किया है, जहां पर सुनवाई जारी है। ईडी ने कोर्ट से 8 दिन की रिमांड की मांग की है। ममता बनर्जी का बयान, कहा बुधवार को होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल, 3 से 4 मंत्रियों को बदला जाएगा। देश में मंकी पॉक्स से पहली मौत, केरल के त्रिशूर में 22 साल के युवक की गई जान। दिल्ली में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मामले सामने आए, दोनों अफ्रीकन मूल के नागरिक हैं, एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज से देशभर में वोटर आई कार्ड को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया, चुनाव आयोग ने देश में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए उठाया है कदम। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इंडियन आइडल फेम फरमानी नाज के हर हर शंभू भजन गाने पर विवाद, उलेमा नाराज, कहा इस्लाम में गाना बैन। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दिल दहला देने वाला हादसा, करंट लगने से 10 कांवड़ियों की मौत, गाड़ी में लगे जनरेटर से फैला करंट। सलमान खान को मिला हथियार रखने का लाइसेंस, बिश्नोई गैंग की धमकी के बाद आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस किया था अप्लाई। जीएसटी के मोर्चे पर अच्छी खबर, जुलाई में कलेक्शन 1,48,995 करोड़ रहा, पिछले साल के मुकाबले 28% बढ़ोतरी। संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का चार्ज संभाला, पुलिस मुख्यालय में हुआ स्वागत। सीकर में तीज के मेले में सांड का आतंक, नेहरू पार्क के बाहर भीड़ में घुसकर कई लोगों को घायल किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में देर रात फटा बादल, सुनाकोट में घरों के अंदर घुसा पानी, कई गाड़ियों को भी नुकसान। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में भारी बारिश से आया फ्लैश फ्लड, बाढ़ के पानी के साथ बहे पेड़ और बड़े पत्थर। रोजिला पास के नजदीक कई लैंडस्लाइड होने से श्रीनगर ले हाईवे बंद, सड़क से हटाया जा रहा है मलबा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, मनाली में ब्यास नदी का बढ़ा जलस्तर। लाहौल स्पीति में हाईवे पर फंसे 125 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, फ्लैश फ्लड की वजह से रास्ता हो गया था ब्लॉक। मंडी में नदी में फंसे 24 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया, भारी बारिश के बाद नदी में आया था उफान। मूसलाधार बारिश की वजह से मसूरी में जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क के टूटी कैंपटी फॉल में पानी का स्तर बढ़ा। राजस्थान के हनुमानगढ़ी में भारी बारिश, स्कूल बंद करने के आदेश, जगह जगह जलभराव। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड के 12 घंटे के बाद भी नहीं साफ हुई सड़क, वाहनों की लंबी कतारें लगी। तमिलनाडु के मदुरई में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन हुआ प्रभावित। केरल के कोची में जोरदार बारिश से सड़कों पर भरा पानी, वाटर लॉगिंग से वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।